आमसभा के दौरान पंचायत सचिव के साथ मारपीट का मामला सामने आया। मामला सीहोर जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत बरखीड़ा हसन का है, जहां पदस्थ सचिव पूनम तिवारी के साथ पूर्व सरपंच और उनके साथियों ने मारपीट की, जिसको लेकर मध्य प्रदेश ब्लॉक सचिव संगठन जनपद पंचायत सीहोर ने जिला पंचायत सीहोर और एसडीएम कार्यालय जाकर ज्ञापन सौंपा, कार्रवाई की मांग की। आपको बता दें, सचिव पूनम चंद्र तिवारी कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे कि इसी बीच वहां पूर्व सरपंच कुछ लोगों के साथ आए और उनके साथ अभद्र व्यवहार करने लगे, और वहां पर मौजूद लोगों के मना करने पर भी वह नहीं माने, और देखते ही देखते उन्होंने सचिव पूनम चंद्र तिवारी के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। सचिव को किसी तरह उनसे बचाया। वहीं मामले को लेकर पंचायत सचिव संघ ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उनका कहना है कि अगर इस तरह से सचिव के साथ मारपीट और गाली गलौज की जाएगी तो शासकीय कर्मचारी फिर किस तरह ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर काम कर पाएंगे। सभी सचिवों की मांग है कि उनको शासन की तरफ से सुरक्षा प्रदान की जाए और दोषियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर सचिव ग्राम पंचायतों शासकीय कार्य नहीं करेंगे। ये चाहता हूँ कि आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई हो, उनकी गिरफ्तारी हो। अभी उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, मुझे भय है कि पुणे मेरे साथ ये घटना हो सकती है, और मैं इस स्थिति के कारण अपनी पंचायत में भी अभी जाने में असमर्थ हूँ। मैंने जिला पंचायत सीओ सर को भी अवगत कराया है कि सर मैं ऐसी स्थिति में उस पंचायत में जाने में अभी असमर्थ। सारे कर्मचारी तो निश्चित ही हमने शासन को आगाह कर दिया है, और आगाह नहीं, अगर गिरफ्तारी नहीं होती है, समुचित कार्रवाई नहीं होती है आरोपियों पर, तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे, जिससे कि ग्रामीण विकास विभाग पर, ग्राम पंचायतों में इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि तो हमें जानमाल की, हमारी सुरक्षा हमें चाहिए। आज हमारे पास कुछ सचिव जो ग्रामीण ग्राम पंचायतों के वो आए थे। कल 2 तारीख को जब ग्राम सभा हुई थी तो एक सचिव के साथ किसी ग्रामीण ने बदतमीजी की, हाथापाई की गई है, उसमें संबंधित खिलाफ FIR दर्ज की गई है। जो SP साहब है उनको पत्र लिखा गया है कि वो संबंधित खिलाफ कार्रवाई।